हेलो गाइज, आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और वो अवसर है क्या और ये अवसर किसके लिए है, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये अवसर गिरिडीह वासियों के लिए, अगर आप गिरिडीह के रहने वाले हैं तो इसका आनंद आप ले सकते हैं। ये अवसर है, आपको हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे आसमान का सैर कराया जाएगा। ये किसके द्वारा कराया जाएगा, कौन से विभाग के द्वारा कराया जाएगा, ये सारा जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आप और लक्की इंसान होंगे तो शायद आप फ्री में भी हेलीकॉप्टर का आनंद ले सकते हैं, पूरे आसमान का शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये है क्या। आज के प्रभात खबर में छपा एक विज्ञापन को देखते हैं और विज्ञापन को देखने के बाद हम पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो ये विज्ञापन यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। प्रभात खबर के पेज नंबर 4 पे जाना है और जाने के बाद आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मोटर ग्लाइडर द्वारा ग्लाइडिंग प्रशिक्षण एवं जॉय राइडर कार्यक्रम का शुभ आरम्भ, उद्घाटन समारोह आमंत्रण। प्रिय गिरिडीह वासियों, अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि दिनांक 2 फरवरी 2020 को बोडो हवाई अड्डा गिरिडीह में मोटर ग्लाइडर द्वारा ग्लाइडिंग प्रशिक्षण एवं जॉय राइडर कार्यक्रम का शुभ आरंभ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाना है। गिरिडीह जिले के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सुनहरा अवसर। इस योजना के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति मात्र 50,000 के व्यय पर 20 घंटे के ग्लाइडिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर GPL स्तर पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 800 रुपये के व्यय पर मोटर ग्लाइडर द्वारा हवाई भ्रमण का आनंद ले सकते हैं। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए 50% छूट के साथ मात्र 400 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से भ्रमण की व्यवस्था है। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें फ्री की बात कहाँ है, तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि आप वो लकी इंसान होंगे तो शायद आप फ्री में हवाई ग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो चलिए प्रभात खबर के इसी पेपर में, आज के ही पेपर में छपा पेज नंबर 7 पे आप यहाँ पे देखिए, गिरिडीह में आज से अस्थाई ग्लाइडिंग प्रशिक्षण। आप प्रशिक्षण भी ले सकते हैं और आप वहाँ पे घूमना चाहते हैं हवाई हेलीकॉप्टर के मदद से, तो आप वहाँ पे घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। और आप वो लकी इंसान होंगे जो फ्री घूमना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है। आप लकी इंसान होंगे तो शायद आप भी घूम सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पूरा ब्यौरा है क्या। गिरिडीह झारखंड सरकार के नगर विमान विभाग की ओर से गिरिडीह में अस्थाई ग्लाइडिंग प्रशिक्षण किया जाएगा। यह जानकारी DC राहुल कुमार सिन्हा ने दी। बताया कि गिरिडीह हवाई अड्डा में प्रत्येक सप्ताह के 6 दिन ग्लाइडिंग प्रशिक्षण द्वारा जॉय राइडर की आयोजन की योजना है। इसके लिए फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के तहत सप्ताह के 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मोटर ग्लाइडिंग के फेरी का गिरिडीह हवाई अड्डा में जॉय राइडर की व्यवस्था की गई है। बताया कि गिरिडीह हवाई अड्डा में एक फ्लाइंग हैंगर का भी निर्माण किया जा रहा है। मोटर ग्लाइडर के उड़ान योग्य हैनर का निर्माण हो जाने के बाद गिरिडीह हवाई अड्डा में अस्थायी ग्लाइडिंग प्रशिक्षण अनुभाग का संचालन किया जाएगा। ग्लाइडिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुओं को विज्ञान संकाय के इंटर उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर आपको ग्लाइडिंग का प्रशिक्षण लेना है तो आपको इंटर में साइंस सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। प्रारंभ के बैच में अधिकतम 10 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट का जो बैच होगा उसमें 10 विद्यार्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षुओं का चयन विभाग द्वारा आयोजन दक्षता परीक्षा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी और सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क देय होगा। मतलब आपको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके लिए आपको आपके द्वारा कुछ शुल्क लिया जाएगा। वो शुल्क पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। कस्तूरबा की छात्राएं और बिरहो बच्चों के करेंगे रॉय राइडिंग। मतलब यहाँ पे देखिए, जो कस्तूरबा के बच्चे हैं उनको फ्री ग्लाइडिंग किया जाएगा। गिरिडीह हवाई अड्डा में ग्लाइडिंग प्रशिक्षण का उद्घाटन 2 फरवरी को होगा, यानी आज। इस दिन जॉय राइडर की व्यवस्था की गई है।
जिसमें उड़ान का मजा लेने वाले यात्रियों को 15 मिनट आकाश में उड़ाया जाएगा। आपको पूरे 15 मिनट आसमान में उड़ाया जाएगा और पूरा गिरिडीह का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित की गई है। बच्चों के लिए मात्र 400 रुपये में प्रति पैसेंजर और व्यासक के लिए 900 रुपये प्रति पैसेंजर निर्धारित है। सूचना के मुताबिक रविवार को 12 बजे कैप्टन एसपी सिन्हा ग्लाइडर लेकर गिरिडीह हवाई अड्डा पहुंचेंगे और 1 बजे से लेकर 5 बजे तक जॉय राइडर कराया जाएगा। उद्घाटन के लिए ही विलुप्त होती आदिम जाति विरहो समुदाय के 40 बच्चों को आकाश में उड़ाया जाएगा। इसके साथ ही कस्तूरबा विद्यालय की 10 बच्चियां भी जॉय राइडर का मजा ले सकेगी। मतलब जो जो कस्तूरबा विद्यालय की 10 बालिका लक्की बालिका है उसको जॉय राइडर का आनंद ले पाएंगे और पूरे 15 मिनट आसमान में घूम पाएंगे। और विरहो जनजाति के जो समुदाय के लोग हैं उनके बच्चे को आसमान में घुमाया जाएगा, उसमें पूरे 40 बच्चे को शामिल कराया जाएगा और पूरे आसमान में उसको घुमाया जाएगा। तो ये वो बच्चे हैं जो लकी बच्चे हैं और उनको फ्री में घुमाया जाएगा, पूरे हेलीकॉप्टर से घुमाया जाएगा आसमान में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी पता चल सके कि 400 रुपये में आप गिरिडीह में हेलीकॉप्टर की मदद से पूरे गिरिडीह घूम सकते हैं 15 मिनट तक। तो जल्दी कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो लेकर के।